को खाली बताना होता है भैया ये आईडी है और इससे जुड़ो, आपको कुछ कुछ मिलेगा। तो लोग जुड़ भी रहे हैं और इससे हम लोगों के क्या भी विकास हो रहा है, लोगों का भी विकास हो रहा है, क्या वो धर्मचारी हो, क्या धर्म मित्र हो, क्या धर्म सहायक हो, सभी लोगों का विकास हो रहा है, सभी लोग कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका। और क्योंकि शिविरों में जाना, बुद्ध विहार में जाना लोगों को बड़ा एक सा अटपटा लगता है, वो भी एक गृह त्याग होता है, चाहे कुछ क्षणों के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो, लेकिन हम लोग घर बैठे इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए हम दिल्ली केंद्र का इसके लिए पुनः पुनः पुण्य अनुमोदन करते हैं, साधुवाद करते हैं और पूरी टीम का, साथ में जो सहयोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोगों का। और उसी के साथ साथ हमें भी ये मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का, और जब कोई अपनी बात रखता है तो उसके लिए भी थोड़ा पढ़ने का भी प्रयास करता है, नहीं तो गृहस्थ जीवन के लोग हैं हम लोग, कभी ध्यान में चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कभी पढ़ना भी हो तो तब भी चलो ये तो देख लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी ही पड़ती है। ये बहुत अच्छा अवसर, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और भाग्यशाली हैं, ऐसा संघ मिला है और इस संघ के माध्यम से ये संघ की निर्मिति, जो इतने लोग, एक समाज का निर्माण हो रहा है। अच्छा हम लोग जुड़े हैं तो हम आगे चलेंगे कि ये भी एक हम लोगों का आध्यात्मिक विकास है, एक आध्यात्मिक स्तर है जो हम ध्यान साधना कर रहे हैं। मन की एकाग्रता के बारे में बताया जाता है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये साधना का सबसे अच्छा अनुभव इस बात से भी देखा जाता है कि कुशल मानसिक अवस्थाओं का ये जो प्रवाह है ना, इस प्रवाह में क्या होता है, एक अकुशल मानसिक अवस्था वो बाधा पहुंचाती है और हमें उसी को दूर करना होता है और उसी का हम ये प्रयास करते हैं इसमें जुड़ के, और लोगों का अनुभव सुनते हैं, कुछ बुद्ध की बातें सुनते हैं, कुछ भंते जी ने जो बताया है, तो इस पर भी लोगों का प्रभाव पड़ता है। और ध्यान साधना का सार तत्व भी यही है कि हम लोगों की बात सुने और उसका अनुसरण करें और आगे बढ़ें, और इस पर भी ध्यान देना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि ध्यान साधना का आशय ध्यान में बैठना मात्र नहीं है, कि हम ध्यान में बैठे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं, पहले भी हम ऐसा कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है। ध्यान साधना का अर्थ निश्चित रूप से आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह है, चाहे हम बैठे हों, चल रहे हों, खड़े हों, कुछ भी कर रहे हों, खा रहे हों, हर एक जगह हमें ध्यान देने की जरूरत है। और यदि हम संसार में रह रहे हैं, यदि हम संसारिक जीवन जी रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अकुशल विचारों से प्रेरित कुछ होना और अकुशल शब्द बोलना तथा अकुशल कार्य करना, है ना, इसके विपरीत है ना इन सब बातों का। और ये अकुशल विचार भी जो होते हैं, इस पर लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, तो इसीलिए ये सब बातें जो हैं, मतलब अकुशल विचारों के, अकुशल बातों के, इन सब के विपरीत हमें कार्य करना है, और यही आध्यात्मिक जीवन का सही अर्थ होता है ना। मतलब हमें कुशल विचारों को उत्पन्न करना है और अकुशल विचारों का उच्छेद करना है, कुशल मनोभावों का विकास करना है। इसमें कुशल मानसिक अवस्थाओं से जितना अधिक हम प्रेरित होते हैं, उतना ही हम संसार में जो है, मतलब आध्यात्मिक जीवन से के उसमें आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें इसमें आगे बढ़ना है, अकुशल विचारों को निकालना है और मानसिक रूप से
जैसे हम कहते हैं किसी वस्तु को त्यागना है ना, या उसको शारीरिक रूप से त्यागना महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यतः हम वास्तव में ये जीवन ही नहीं, हम किसी का परित्याग उस समय तक नहीं करते जब तक कि हम ऐसा करने में अक्षरशा प्रयास नहीं करते। बौद्ध धर्म में अक्षरशा संसार त्यागने का परंपरागत रूप में अर्थ लिया जाता है, गृह त्याग करके परिवार जब ये सब पहले होता था, लेकिन आज हम लोगों के पास एक अच्छा मौका है जो बाबा साहेब ने दिया है और उस पर भंते जी ने अनुसरण किया है कि हम गृहस्थ होके भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं। हमें जरूरी नहीं है परिभाजक बनना, हम तब भी वही काम कर रहे हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और सांसारिक दृष्टिकोण को त्यागना है ना, और अकुशल मन से मानसिक अवस्थाओं को त्यागना, ये वास्तव में जो है आसान काम नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। पल पल जैसे बोध प्रकाश जी या नागरथ भी बताते हैं कि हमें पल पल मरना पड़ता है ना, अपने उस जो बचपन से संस्कार मिले हैं जिस पर हम चल रहे हैं उनको त्यागने के लिए उनको मारना पड़ता है, उसी को पल पल मारना, यहाँ आशय हम कहते हैं, आशय लेते हैं उसी से। तो ये वास्तव में हमें जब तक चाहे वो अकुशल वाचा हो अकुशल कार्य हो इसमें हमें लिप्त नहीं होना है, इससे आगे बढ़ना है ना। इस प्रकार भारी मानसिक तनाव दबाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है उसको त्यागने के लिए, जैसे नागरथ जी बोलते हैं कि ये जो हमारा मन है ना ये भी कुशलता की तरफ निकलने के लिए व्याकुल रहता है, मौका मिलना चाहिए, तो उसी का तो हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ और कर रहे हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सब बातों के लिए, इस सब समाज के लिए, इन सब मनोभाव के लिए हम बुद्ध से सोच सकते हैं कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था उनके गृह त्याग के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी जीवनी से भी आप सभी लोग परिचित हैं, बहुत बार बताया जाता है और इसमें सभी धर्मचारियों ने कभी कभी थोड़ा थोड़ा बताते भी हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सिद्धार्थ का जन्म है एक स्वाभिमानी और युद्धप्रिय शाक के कुल में हुआ था। वहां जब वो गृह त्याग करने के पहले का उनका जो था वो युद्ध को लेके ही था, लेकिन वो एक धनी वैभवशाली परिवार में भी जन्म होने के कारण वो अपनी हर प्रकार की इच्छा की संतुष्टि कर सके, इसलिए धन यौवन शक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा शिक्षा संसार में जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता है सब कुछ उन्हें प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। उनके बहुत से मित्र और रिश्तेदार थे, उन्हें पत्नी और पुत्र थे, सभी लोग थे है ना, सब उपलब्ध थे, लेकिन सिद्धार्थ ये सब कुछ उन्हें रोक नहीं सके, उन्हें दे नहीं सकते थे, ये चाहते नहीं थे। भले ही ये स्तर पर वो जानते थे कि वो क्या चाहते हैं, परंतु वास्तव में चाहते थे कुछ न कुछ आध्यात्मिक या लोकोत्तर ही था। परिणाम स्वरूप उन्होंने ये महसूस किया संसार अधिक अत्याचारी और कठोर होता जा रहा है, और एक दिन उन्होंने इससे पूर्णता छोड़ने का निर्णय लिया था। और उन्होंने रात्रि होने पर जब सब सोने की सबकी प्रतिष्ठा मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने मतलब अपने चहेते घोड़े के साथ निकल पड़े थे, वो समय क्या रहा होगा। तो यहाँ तो हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है
हमें उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमें संन्यास लेने की, ना प्रबज्ञा ग्रहण करने की, ना कुछ। वो आपको घर बैठे मिल रहा है, हम सभी को मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम बुद्ध की उस कहानी, उन कहानी को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग भली भांत परिचित है, लेकिन इससे एक थोड़ा सा वो ले सकते हैं कि हम लोगों को क्या छोड़ना है, क्या छोड़ सकते हैं, या जिसके लिए हम यहाँ इस ध्यान संध्या में जुड़ रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर हमें विचार करना है, इसके बारे में सोचना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि हमें घर त्यागना है, प्रविज्ञा लेनी है, लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ तो त्यागना है ना, कुछ पाने के लिए। बुद्ध भी कुछ पाने के लिए गए थे, लेकिन हमें घर बैठे क्या हमारे अकुशल विचारों को त्यागना है, अपनी पुरानी धारणाओं को त्यागना है, बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। और इन सबको त्यागना ही है, जिसके तरीके भी अलग अलग हैं और सब कुछ बताया गया है, परंतु ये सब क्या होता है, बौद्ध वास्तव में कुछ होता ही नहीं। बहुत बार हम निश्चित तौर पर गृह त्याग करते ही रहते हैं और अपने संपर्क में रहते हैं, यदि हम भाग्यशाली हैं तो ऐसा घटित हो जाता है कि उन लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं जिन्होंने उसी प्रकार गृह त्याग किया है जैसे हमने किया है, है ना। तो ये गृह त्याग क्या है, हम आध्यात्मिक उसमें एक कुल में जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक समाज में जा रहे हैं, जो पुराने संस्कार वाले सोच हैं उनसे अलग जा रहे हैं, ये भी त्यागना है। हम अपने विचारों को त्याग रहे हैं, उनसे अलग जा रहे हैं। और ये जो है हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ, इतने दिनों से दो ढाई साल तो मतलब चल ही रहा है, यही हम कितना कुछ सीख रहे हैं। तो लेकिन अब देखो, सिद्धार्थ जब गृह त्याग किए थे कितने दिन बाद, कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ गए, लास्ट में उन्हें वो बुद्ध बनते हैं और कुछ करते हैं समाज के लिए, तब उनको मतलब ये आध्यात्मिक समाज की स्थापना होती है। और हम लोग जैसे हम पहले बोल दिए, कितना भाग्यशाली है, कितना अवसर है, आखिर क्या है जिसके हम संपर्क में आते हैं। तो इन सब बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हम वास्तव में जब से, चाहे कहीं किसी सेंटर से कहीं से भी जुड़ते हैं, तभी से हम समझ लो आध्यात्मिक समाज के उसके मार्ग पर आरूढ़ होने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, जिन्हें हम, ये व्यक्ति कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, जिन्होंने शरण गमन किया है वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने शरण गमन किया है वो व्यक्ति हैं जो प्रयत्न के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसी का हम प्रयास कर रहे हैं, हम वंदना भी करते हैं, प्रयत्नों का भी बात करते हैं, सब चीज की बात। तो हम लोग उस शरण गमन की प्रक्रिया पर आरूढ़ हैं, तो हम उस आध्यात्मिक समाज का एक हिस्सा है, वो आध्यात्मिक समाज के व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयत्न के बारे में कुछ अधिक कहने से पहले व्यक्ति शब्द की ओर, आपका क्या होता है कि आध्यात्मिक समाज का व्यक्ति जो है, आध्यात्मिक समाज के घटक जो हैं वो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत रुचि तथा निर्णय होते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियां उठाते हैं और उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में अपना विकास करने का निर्णय लिए होते हैं। अतः साधारण अर्थ में आध्यात्मिक समाज का एक समूह, इसमें सामूहिक पहचान नहीं होती है जिससे आप अपना अस्तित्व ही खो दें या जिसमें आप समाहित ही हो जाए। आध्यात्मिक समाज स्वतंत्र व्यक्तियों की स्वयं से भी संस्था होती है जो समान आदर्श के प्रति, समान लक्ष्य की प्रतिबद्धता के साथ इकट्ठा आते हैं, अर्थात वे प्रयत्न के
समर्पित होकर ही इकट्ठा आते हैं और वही सब तो हम कर रहे हैं। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? यही काम तो कर रहे हैं कि रत्नों के प्रति हम समर्पित हो रहे हैं, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ध्यान भी जो है, ध्यान के माध्यम से सीलों का पालन करने का उसमें प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। और जब सीलों की बात आती है तो वहां हमारे तीन वो छूटते हैं, लोभ मोह दोष से थोड़ा अलग होने की, विरत होने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और जो है, इस हिसाब से हम आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अग्रसर होते हैं और आध्यात्मिक समाज में उन सब लोगों का समावेश होता है जो बुद्धत्व प्राप्त के लक्ष्य हेतु अकुशल मानसिक अवस्थाओं को त्याग कर कुशल मानसिक अवस्थाओं के विकास करने में अपने आप को समर्पित करते हैं। इस सर्वोच्च अर्थ में तीसरा रत्न वो है जो हमें, हम लोकोत्तर, जिसे हम लोकोत्तर समाज कहते हैं, ये आध्यात्मिक समाज का वो एक अंग है जो न केवल शरण गमन करते हैं, न केवल कुशल मानसिक अवस्थाओं का विकास करते हैं, न केवल अंतर्लीन होते हैं, बल्कि उनमें अंतर्दृष्टि भी उत्पन्न हो जाती है जो सत्यता को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, भले ही क्षण भर के लिए हो। जब लोग ध्यान करते हैं तो कहते हैं हमें तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, कहीं कोई अपना अनुभव अलग बताते हैं, क्या है, यही तो है। हम भले वो क्षण भर के लिए हो, लेकिन हम प्रयास करते हैं तो हमें मिलता है वो। और जब ज्यादा प्रयास करेंगे तो ज्यादा समय के लिए होगा, लेकिन अगर एक झलक भी मिल रही है तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। और आध्यात्मिक समाज के सदस्य के तीन बंधन टूटते हैं। वह बंधन व्यक्ति को सांसारिक अस्तित्व में बांधे रखते हैं, आध्यात्मिक तौर पर मरने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। वह सत्यता के मार्ग पर चलने का अभ्यास पूरे मन से करते हैं, केवल पारंपरिक तौर पर नहीं, उनकी प्रतिबद्धता जो है संपूर्ण होती है, वह उसमें से कुछ भी बचा कर नहीं रखते हैं। और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे बोध प्रकाश जी। वास्तव में देखो, तकलीफ होते हुए क्या है, कुछ नहीं सोचते हैं, बैठे रहते हैं अपना, सबको वहीं से धर्म का प्रचार प्रसार सबका लाभ दे रहे हैं, इससे अच्छा क्या होता है। प्रज्ञा रश्मि जी जब भी देखो तैयार करते हैं, हमारे नागरत्न जी हैं जब भी देखो तैयार खड़े मिलते हैं, विमल से जिसको देखो, जो धर्मचारी जो आर्डर है, क्या है, क्योंकि वो इस मार्ग पर आरूढ़ है, ये आध्यात्मिक समाज की एक हिस्सा है, ये प्रतिबद्ध है और इसीलिए सारे इसमें लगे रहते हैं। मतलब किसी प्रकार का उनके अंदर कोई छल कपट लोभ मोह दोष ऐसी भावना नहीं होती है। हाँ, कहीं कहीं मामलों में ऐसा नहीं है कि हम लोग, भले हम पूर्णता की बात करते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, पारिवारिक हैं, सब चीजें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी अगर उसको हम समझते हैं तो समझ लो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और इससे भी अधिक परंपरागत बौद्ध भाषा में त्रिरत्न को बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न कहते हैं। इनको रत्न कहते हैं क्योंकि आधुनिक समाज से पहले तक रत्न सभी धातुओं में सबसे मूल्यवान माना जाता था, धातुओं में जो होता था। लेकिन यहां रत्न किसको कहा गया? बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, ये रत्न ही है, क्योंकि हमें जो है आगे बढ़ाने का, एक आध्यात्मिक उसमें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अकुशल मानसिक विचारों से दूर ले जाने का, कुशल मानसिक विचारों की तरफ हमें ले जा रहे हैं, तो क्या है, इन्हीं रत्न के उसके तो हम चल रहे हैं।
और पहले तक रत्न जैसा हमने कहा सभी धातुओं में सबसे मूल्यवान माना जाता था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तीन रत्न सबसे मूल्यवान तथा उपयोगी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि त्रिरत्न मानव अस्तित्व के सर्वाधिक मूल्यों का क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आध्यात्मिक समाज के सदस्य वह लोग होते हैं जिनकी दीक्षा हो चुकी होती है, वह त्रिरत्न के प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। वह न केवल मानसिक रूप से बल्कि काया वाचा से भी पूर्णता स्पष्ट रूप से प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ समर्पित होते हैं। दूसरे की प्रतिज्ञाबद्धता आध्यात्मिक समाज के विद्यमान सदस्यों में विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो वह कुछ नैतिक शीलों का पालन करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं जब हम धम्म मित्र होते हैं तो हमें 5 सील दिए जाते हैं, जब आर्डर बनते हैं तो 10 सील दिए जाते हैं। तो यही सब है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे विकास के लिए या हमारे शरण गमन के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, त्रिरत्नों के प्रति समर्पित हैं। और यही सब आध्यात्मिक समाज के लोग होते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ध्यान भी मैत्री भावना है। तो मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा और आप लोगों ने